नमस्कार आदाब, न्यूज क्लिक में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं हिमाचल। यहाँ ठंड बहुत तगड़ी है, लेकिन इलेक्शन का जोश, कैंपेनिंग का जज्बा उससे भी तगड़ा है। आज हमारे साथ जुड़े हैं राकेश सिंघा साहब, ये CPIM के यहाँ के थियोग कॉन्स्टिट्यूएंसी के कैंडिडेट हैं। ये सिटिंग MLA हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के और फिर से अब फाइट में आए हैं। अब आपसे पहला मेरा ये सवाल है कि इस बार चुनाव के मुद्दे क्या हैं, आपका विजन क्या है चुनाव में जाते हुए? देखिए, मुद्दा इस देश के अंदर या प्रदेश के अंदर या चुनाव क्षेत्र का, लोगों का जीवन यापन बेहतर कैसे बनाना है, उसके बगैर कोई भी चुनाव संभव नहीं है। इसलिए पहली बात तो वो है कि जीवन यापन लोगों का बेहतर कैसे बनेगा। आप जानते हैं कि 1991 के बाद जब से इस देश के अंदर नव उदारवाद के विकास के रास्ते को इख्तियार किया है, लोगों के जीवन यापन पर ग्रहण लग गया है। हालांकि 91 के बाद 2001 आया, उसके बाद 2011 आया, 20 साल बीते, असर उस समय महसूस नहीं हुआ, लेकिन आज उस नव उदारवाद विकास के रास्ते की पीड़ा लोगों को सहनी पड़ रही है। जितनी भी सेवाएं हैं, पीने का पानी है, बिजली है, सड़क है, स्वास्थ्य है, वेटनरी है, हॉर्टिकल्चर, सब पर ग्रहण लग गया। अगर हॉर्टिकल्चर जो यहां किसान और प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है, अगर लाभ नहीं देगा किसान का, हिमाचल प्रदेश बच नहीं सकता। यह नव उदारवाद विकास के अल्टीमेट रिजल्ट है। आप जानते हो जो 3 कृषि कानून आए थे, वो 3 कृषि कानून की जननी 1991 थी। आज कर्मचारी हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर करने के लिए संघर्ष कर रहा है, उसकी भी जननी 1991 है, नया विकास का रास्ता है। इसलिए पहली बात है, यह विकास का रास्ता नहीं चलने वाला, यह लोगों की पीड़ा को कम नहीं करने वाला। हम जितनी मर्जी डींगे मार दे, यह विकास का रास्ता लोगों को तबाह करके छोड़ेगा। इसलिए जो विकास का रास्ता इस मुल्क के अंदर राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के सिपाहियों ने तय किया था कि राज की जिम्मेवारी होगी शिक्षा प्रदान करना, राज की जिम्मेवारी होगी स्वास्थ्य प्रदान करना, राज की जिम्मेवारी होगी बिजली प्रदान करना, राज की जिम्मेवारी होगी कि हमारे जीवन यापन को बेहतर बनाना। लेकिन आज जो राज्य है उसने आत्मसमर्पण कर दिया है और सारी देश की संपत्ति और प्रदेश की संपत्ति एक एक करके बड़े पूंजी के मालिक के हवाले देने की तैयारी हो रही है। अभी लोग कहते हैं, देखो जयराम कितना बढ़िया है, बिजली मुक्त कर दी। लोगों को यह मालूम नहीं है, एक तरह से हिमाचल प्रदेश में बिजली मुक्त कर दी, दूसरी तरह से केंद्र की सरकार ने संसद के अंदर बिजली का बिल लाया है उसको प्राइवेटाइज करने के लिए, और मैं गारंटी देता हूं 1.5 साल बाद बिजली निजी हाथ में होगी। शिमला का पीने का पानी निजी हाथ में है, वो पानी का वितरण लोगों की प्यास को बुझाने के लिए नहीं होता है, पीने का पानी का वितरण कंपनी की तिजोरी में कितना पैसा आएगा वो उसके उद्देश्य है, और यही बिजली का होने वाला है, यही बाकी का हो गया है। इसका रास्ता एक ही है, जनता की एकता को कायम करना है। मैं चुनाव में खड़ा हूं, मैं सिर्फ ये बात को नहीं कहता हूं मेरी पार्टी, नहीं, मैं ये कहता हूं जनता की एकता, और ये जनता की एकता ही दिशा को तब्दील कर सकती है। आप जानती हैं कि इस मुल्क के अंदर 3 कृषि कानून जब लाए गए तो देश का किसान इकट्ठा हुआ, 700 आंदोलन चलाया, 735 लोग शहीद हो गए, तब कृषि कानून वापस हुआ, नहीं तो आज हमारे खेत खलिहान जो है बड़ी कंपनी के हवाले हो गए होते। शिमले का पीने का पानी का मैंने जिक्र आपको किया, जब तक हमारा मेयर और डिप्टी मेयर संजय चौहान और टिकेंद्र पवन रहे और सरकार ने कहा 10 कट करो, पानी हम निजी कंपनी के हवाले करना चाहते हैं, उन्हें कहा हमारी कुर्सी चले जाए, लेकिन हम 10 कट नहीं करेंगे। आज शिमले के पीने के पानी का पता करो उपभोक्ता से, क्या क्या उसको देना पड़ता है महीने के बाद, कुछ को तो 70,000 रुपए देना पड़ता है, और कंपनी कहती है पहले जमा करो उसके बाद देखेंगे कि गलत बिल है सही बिल है। बताइए गरीब कहां जाएगा? आप जाइए
हॉस्पिटल के हाल देखिए, जाइए वेटनरी के हाल देखिए, सब पर ग्रहण लग गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ स्टॉक के अंदर 2012 से जो अनुदान सरकार दिया करती थी, जो हॉर्टिकल्चर में एग्रीकल्चर में 16 करोड़, हम तो 18 में बने एमएलए, लेकिन 12 से 16 करोड़ वो पेंडिंग था। और लोगों ने आवाज उठाई, संघर्ष का बिगुल बजाया। और मैं दाद देता हूं ठोक की जनता को, जो करोड़ का भुगतान सरकार से कराया, यहां भरोसी का डॉक्टर नहीं था। गरीब लोग बोलते थे कि हम कहां जाएंगे शिमला ऑपरेशन के लिए, हमने सरकार के हर दरवाजे को खटकाया लेकिन जू नहीं रहेंगी। लेकिन जिस दिन नीचे ठोक की जनता ने डायरेक्टर के दफ्तर पर मोर्चा लगा दिया, तो उस दिन वो क्या कहते हैं, वो उसी दिन डॉक्टर की हमने कहा नहीं, पहले डॉक्टर पहुंचेगा, ऑपरेशन शुरू होगा, तब मोर्चा हटेगा। तो इसलिए ये है जो तरीका है आगे बढ़ने का, ये मेरा मानना है, ये मेरी समझ है। अगला सवाल ये है सिंघा साहब, जो पूछना जरूरी भी है कि हम देखते हैं कि जहां तक संघर्षों की बात है, जो CPIM है वो हमेशा आगे रही है हिमाचल की अगर बात करें और इसके बाहर भी देश में, लेकिन ये सच है कि असेंबली में अभी भी एक ही सीट है जो आपकी है, लेकिन पिछले 5 से 10 सालों में हम देख रहे हैं, और 5 सालों में जब से आपने सीट संभाली है, कि और संघर्ष बढ़े हैं, बहुत मुद्दे और उठे हैं, तो क्या ये चेहरा बदल रहा है, आपको क्या लगता है? निश्चित रूप से, मैं चाहूं चाहे नहीं चाहूं, लोगों का जीवन यापन उसको मजबूर करेगा। ये टकराव है, आर्थिक और किसान के बीच में टकराव है, कंपनी और कंपनी में काम करने के बीच में टकराव है। कंपनी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा उसका श्रम का पैसा रखना, आरती चाहता है कि जो किसान की मेहनत है कम से कम दाम में उसको क्या कहते हैं उसको निपटारा क्या है, किसान चाहता है जो उसके परिवार ने मेहनत किया उसका दाम मिलना चाहिए। टकराव है, लेकिन सरकारें और राज करने वाला वर्ग उनके साथ खड़ा होता है और गरीब के साथ खड़ा नहीं होता है। तो ये तो बढ़ना है, इसको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। एक बेहतर समाज को पैदा करने के लिए हम जब इस धरती पर पैदा हुए हैं, तो ये इंसान की जरूरतें हैं एक बेहतर समाज को बनाने के लिए, तो इसलिए उसको कोई रोक नहीं सकता है। कोई टेम्पररी फेज आ सकता है, रुकेगा, कोई रोकने की कोशिश करेगा, अल्टीमेट एनालिसिस में आपने देख लेना, बदलेगा। जो मेहनत कश है वो आगे बढ़ेगा, किसान है, कर्मचारी है, महिला है, पीड़ित है, हर पीड़ित आगे को बढ़ेगा, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं पाई। तो अगर इस इलेक्शन की थोड़ी बात करें, तो हमने देखा है कि अभी तक हिमाचल प्रदेश में 2 ही पार्टियां जो आती हैं और जाती हैं, आती हैं जाती हैं, इस बार आम आदमी पार्टी भी यहाँ पे आई है, CPIM तो है ही, क्या आप आम आदमी पार्टी को एक विकल्प की तरह देखते हैं इस प्रदेश में? देखिए, मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी की आर्थिक नीति क्या है, उसकी राजनीति क्या है, उसका खुलासा करें। मैं क्लियर हूं, मैं पूंजी के साथ नहीं हूं, वो पूंजी के साथ है नहीं है उसको स्पष्टीकरण करना है। दोनों के साथ नहीं रह सकते कि आप कहें कि मैं किसान के साथ भी हूं और आर्थिक के साथ भी हूं, यह संभव नहीं है। आ तो आप आर्थिक के साथ होंगे या आप किसान के साथ होंगे, तो उनको तय करना है वो किसके साथ है, मैं उसके बारे में टिप्पणी नहीं करना। मैं तो अपना जानता हूँ, मैं अपना रास्ता जानता हूँ, अपनी सोच जानता हूँ, अपना विचार जानता हूँ। मेरा रास्ता गरीब और मेहनत कश की कुटिया की ओर जाएगा, मेरा रास्ता कंपनी और बड़े इदारेदारी की ओर नहीं जा सकता है। आखिरी सांस तक, और जब तक फेफड़ों में ये चलता रहेगी, ये सांस चलता रहेगा, हम मेहनत कश के साथ होंगे। व्यवस्था बदले ना बदले अभी, लेकिन एक दिन ये निश्चित रूप से बदलेगा। आखिरी सवाल ये है, हमने अभी पिछले दिन टिकंदर से भी बात की थी, तो जब हमने उनसे इलेक्शन के बारे में टिप्पणी करने के लिए पूछा था, तो उन्होंने बोला था कि BJP तो हारेगी, तो आप ग्राउंड पे जा रहे हैं, आप अपना कैंपेन कर रहे हैं, आपको क्या लगता है इलेक्शन? मैं आपको बताऊं, नव उदारवाद की नीति जो भी इस देश के अंदर चलाएगा, रुपए पैसे की ताकत से जीत जाए वो अलग बात है। जनता के मन के आधार पर ऑलरेडी हारे हैं,
अब रुपए पैसे से भ्रम पैदा कर दोगे, पैसा फेंक दोगे, गाड़ियां चलाओगे, एक ऐसा करोगे तो अलग बात है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता समझदार है, ये ऐसी नहीं है जो भेड़ चाल है। वो जो पीड़ा 5 साल में उन्होंने सही है, वो डिटर्मिनिंग फैक्टर होगा उसके मत का। और जो भी सत्ता में आज हो या कल हो, वो जाना ही जाना है। लेकिन दुख इस बात का है, हकीकत सच्चाई जो है वो कोई बोलता नहीं, कहता निकालो और मुझे लाओ। जब तक ये हकीकत ये सच्चाई जहन का हिस्सा नहीं बनेगा तो ये भौतिक ताकत भी नहीं बनेगी। ये बन रही है, धीरे धीरे बनेगी। जब मैं सच्चाई लोगों के सामने कहूंगा तो वो निश्चित रूप से देर से उसका जहन का हिस्सा बनेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। ये अपना समय लेगा। मेरा काम है इस प्रक्रिया को तेज करना और मैं निश्चित रूप से इस प्रक्रिया को तेज करने का कार्य कर रहा हूँ। ठीक है सिंघा साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। हिमाचल प्रदेश वोटिंग कर रहा है 12 नवंबर को, उस तब तक और उसके बाद भी इलेक्शन की सारी अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज क्लिक। शुक्रिया।